हे गाइस, ये है मैजिकल बीटरूट क्रीम। बीटरूट क्रीम आपके स्किन को फेयर और ग्लोइंग बनाता है। बीटरूट यानी कि चुकंदर। चुकंदर में विटामिन सी की मात्रा बहुत हाई होती है, जो आपके स्किन पे एज अ स्किन वाइटनिंग का काम भी करती है और आपके स्किन को फेयर बनाने के साथ साथ ग्लोइंग और फ्लॉलेस भी बनाती है। और यही नहीं बल्कि स्किन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम जैसे कि एज ऑफ साइन ऑफ एजिंग एंड रिंकल, फाइन लाइन, पिंपल और पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन को दूर करके आपके स्किन को स्मूथ, सप्पल और ग्लोइंग और फेयर बनाती है। तो आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि स्किन वाइटनिंग बीटरूट क्रीम को घर पे किस प्रकार से बनाना है, इसका मेथड और विधि क्या है। बीटरूट क्रीम फॉर फेस के लिए सबसे पहले हमें चाहिए बीटरूट। बीटरूट के बहुत सारे स्किन बेनिफिट्स होते हैं, उसको कई तरीके से अपने चेहरे पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एज अ फेस पैक, एज अ फेशियल भी आप इसका कर सकते हैं और साथ ही साथ उसका क्रीम बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली जो आज मैं क्रीम बनाऊंगी वो आप नाइट में इस्तेमाल करें, डे दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ बीटरूट को पील किया। पील करने के बाद इसको कट करके हमें इसका बेसिकली जूस निकालना है। तो जितनी क्वांटिटी में आपको बीटरूट क्रीम बनानी है उतनी क्वांटिटी में आप ले लीजिए। यहाँ मैं आधे से भी कम बीटरूट का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी चुकंदर का। देखिए इस तरीके से मैंने इतना ले लिया। इसको कट करके अब हमें पीस लेना है, थोड़ा सा पानी डाल के। आप चाहें तो बिना पानी का भी पीस सकते हैं या कस करके भी इसका जूस निकाल सकते हैं। बेसिकली जैसे आपको सुविधा पड़े उस हिसाब से आप कर लीजिए। हाँ, मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। अब इसको ब्लेंड कर लेंगे ताकि इसका जूस निकाल सकें। देखिए अगर आप ज़रूरत हो थोड़ा सा पानी आप इसमें और अलग से ऐड ऑन कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा इसमें और पानी ऐड करके इसको अच्छे से महीन पीस लिया है। अब इसको हम छान लेंगे, इसके जूस को निकाल लेंगे इस तरीके से। देखिए जल्दी से इसको छान लेते हैं। और जो ये बचा हुआ मटेरियल, इसको वेस्ट मत करिएगा। इसको एज अ फेशियल, एज अ आप फेस पैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप इसको मेहंदी में भी डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको वेस्ट मत करिएगा। देखिए जूस हमें इतना मिल गया है, बेसिकली हमें इतनी की ज़रूरत नहीं है बट हमें इतना मिल गया है। तो अब हम उतना लेंगे, इतना हमें क्रीम बनाना है। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इसको पकाना है। हमें कुछ नहीं डालिए, सिंपली इसको पकाना है, कुछ भी ऐड ऑन नहीं करना है इसमें। इसको पका लीजिए। जब ये पक के आधा हो जाए या फिर 1/3 बचे इसका, तब आपको इसको इस्तेमाल करना है। देखिए मैंने अच्छे से पका लिया है इसको और थोड़ा इसका निकाल लिया था, ज़्यादा था इसलिए। देखिए हमें क्रीम भर का हमें यहाँ मिल गया है, इवन क्रीम से ज़्यादा ही मिल गया है। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या है, हमें चाहिए एलोवेरा जेल पेस्ट बनाने के लिए ताकि हम उसमें डाल के इस्तेमाल कर सकें। यहाँ मैं 2 चम्मच से 2.5 चम्मच यहाँ एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद विटामिन ई कैप्सूल चाहिए, उसके बाद इसमें ऐड कर दीजिए विटामिन ई कैप्सूल। गाइज अगर आप लोगों को एलोवेरा जेल सूट नहीं करता है तो आप इसमें स्टार्टिंग में जब हम पका रहे थे तो उसमें थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च डाल के आप क्रीम को गाढ़ा कर सकते हैं। उसके बाद इसमें विटामिन ई कैप्सूल ऐड कर लीजिए। उसके बाद यहाँ मैंने रोगन बादाम इस्तेमाल किया है, शुद्ध तेल बेसिकली मैंने इस्तेमाल किया। अगर आपकी स्किन यहाँ पे बहुत ड्राई है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिसरीन ऐड कर लेंगे। उसके बाद सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे। और अगर आप विंटर्स में बना रहे हैं तो गाइस आप इसमें थोड़ा सा ग्लिसरीन ऐड ही करिए। उसके बाद देखिए हमने इतना पेस्ट तैयार किया। अब हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच या 2 चम्मच आप इसमें डाल दीजिए इस पेस्ट का, बीटरूट जो हमने पका के बनाया था। और उसको अच्छे से, बहुत अच्छे से मिक्स करना है। जल्दी जल्दी अब इसको मिक्स कर लीजिए, स्मूथ टेक्सचर बने। जिस हिसाब से क्रीम चाहिए, कितनी गाढ़ी कितनी पतली चाहिए वो अपने हिसाब से रखिएगा। तो यहाँ बेसिकली मैं थोड़ा सा पतली बना रही हूँ क्रीम को, उस हिसाब से मुझे पेस्ट चाहिए। मैंने इसमें डाला था ये जूस, उसी हिसाब से आप जूस डालिए। अच्छे से स्मूथ क्रीम बन जाए, बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए चीज़ें, तो इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में आप इसको पोर कर दीजिए। आप इसको 10 से 15 दिन नॉर्मल टेम्परेचर पे भी रख के विंटर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गाइस बहुत अमेजिंग क्रीम है, इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर आपकी शादी वादी होने वाली है तो एज अ नाइट क्रीम इसको इस्तेमाल करिए। नाइट में आप लगाएंगे ज़्यादा अच्छा है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आपके चेहरे को रेड कर देगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप देख सकते हैं चेहरा बिल्कुल रेड नहीं होगा, कि उतनी क्वांटिटी में बीटरूट हमें इसमें नहीं ऐड किया है। इसका कलर भी अमेजिंग है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा बना करके। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। और ऐसे और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के में ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को, ताकि मोटिवेशन मिलता है हम लोग को और भी अच्छे वीडियोस बनाने का। और अगर आपको कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करेगा। और आप मुझे कमेंट के बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो क्या देखनी है, कैसी वीडियो आप पसंद करेंगे देखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।